नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान प्रकाश जी की वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो गाइस, आज है मेरा सेकंड डे। पिछली वीडियो हमने दिखाई थी जिसमें 3ds Max के मैंने कुछ मॉडल्स बनाना सिखाया था, तो आज हम उन मॉडलों को एडजस्ट करना सीखेंगे। तो आप यहाँ से रिसेंट फाइल खोल सकते हो, या ओपन यहाँ न्यू पेज ले सकते हो, या फिर यहाँ से आप ओपन और न्यू पेज ले सकते हो। अब ये एक न्यू पेज है ही हमारे पास, ऐसे ही ऑल डब्ल्यू से देखते हैं। तो ये सारे मैंने करा दिए थे पिछली वीडियो में, बॉक्स कॉन स्पेयर यू स्पेयर सिलेंडर ट्यूब वगैरह सारे मैंने बनाना सिखा दिया। तो आज इन्हें बना के हम एडजस्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले हमने एक बॉक्स बनाया, तो हम इसे थोड़ा सा यूनिट में रखते हैं, 5 फीट 5, एंटर। नीचे हमें रखना है ये 5 फीट और हाइट रखनी है इसकी 8 फीट। तो कुछ ये इस तरह का बनके तैयार हो गया। तो गाइस, अब हमें क्या है कि हमें इसमें एक बॉक्स और बनाना है जो बीच वाली सतह पर ही चिपका हुआ हो, अटैच हो इससे। तो हम जब ये बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ से मैंने खींचा, कुछ नहीं दिख रहा है, और वो बना तो है लेकिन वो अलग बना है, ना कि इसकी सतह पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, करते हैं इसे हटाते हैं। उसके लिए हमें ये ऑटो ग्रेट पे टिक करना पड़ेगा। ऑटो ग्रेट पे टिक होगा तो आप तभी इसके ऊपर ही बना सकते हैं। यहाँ बना दो, यहाँ भी कुछ मॉडल्स बना दो, जो भी आपका मन करे, जो भी आपको जरूरत है वो कर सकते हैं। जहाँ आप करोगे वहीं से आपका सेलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। गाइस, जैसे हमें सिलेंडर बनाना है तो यही से इतना बड़ा लंबा, अब चाहो तो मुंह करा दे, अंदर बाहर करा सकते, थोड़ा सा इसकी हाइट बढ़ा दें, हाइट थोड़ी सी बढ़ा के और इसे आपका अंदर भी हो गया। तो गाइस, और एक इसमें नेक्स्ट पॉइंट है स्नैप। स्नैप क्या है, स्नैप क्या है आपको बताते हैं। बॉक्स में जैसे हमने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स में ये बना दिया, तो हमें क्या है कि ये वाला कोना जो है इस वाले कोने से सटा के रखना है, ये यहाँ तक ले जाना है। तो हम कैसे ले जाएंगे, मूव करा के, या तो आप ले जा सकते हो यहाँ से पहले ऐसे, फिर ऊपर, फिर लेकिन वो पूरा करेक्ट नहीं आएगा, कभी इधर से ज़्यादा हो गया, कभी उधर से, कभी गैप रह गया। तो उसके लिए हमें स्नैप की जरूरत पड़ती है। स्नैप चालू करेंगे हम, जो हमारा मॉडल सेलेक्ट है उसके कोने पे पकड़ के खींचो और दूसरे कोने पे छोड़ दो, ये हो गया। तो दोस्तों, स्नैप का आपको समझ में आया होगा। स्नैप में क्या है, ये 3 तरह के होते हैं, 2, 2.5 और 3। ज्योमेट्री में 2, 2.5 का ज़्यादा प्रयोग होता है, और 3D मॉडल्स में, रियलिस्टिक में तो आपका 3.5 हुआ। इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं, राइट क्लिक से आएंगी तो वर्टेक्स में ज़्यादा काम करते हैं। अगर आपको मिड पॉइंट दिखाना है, एंड पॉइंट दिखाना है, सेंटर फेस दिखाना है, तो आप और पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, इसे मैं डिलीट करता हूँ, इसे
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जैसे हमें एक सिलेंडर हमें इसमें से पार करना है इस तरह से, पहले इसे अंदर की तरफ करके और करना, और ये हटाना है और इसमें होल दिखाना है बॉक्स में। तो उसके लिए क्या है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके सबसे पहले तो जो बॉक्स है, बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से अपना स्टैंडर्ड प्राइमेट दिखा रहा है ये, इसको ले जाकर कंपाउंड ऑब्जेक्ट पर लाएंगे, इसको लाएंगे कंपाउंड ऑब्जेक्ट पे। कंपाउंड ऑब्जेक्ट पे आने के बाद हमें बुलियन या ट्रू बुलियन करना पड़ेगा। आप चाहो तो बुलियन कर सकते हो, ट्रू बुलियन एक से ज़्यादा है, अगर ये हमारा सिलेंडर एक से ज़्यादा है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, और एक साथ हमें एक एक करके तीनों करने हैं, तो हमें ट्रू बुलियन ठीक रहेगा। अगर हमें सिंगल ही है तो बुलियन कर सकते हैं, जैसे हमें सिंगल है ये बुलियन लिया और पिक ऑपरेंड क्लिक किया और हमारा सिलेंडर है उस पर क्लिक कर दिया, ये आपका होल आया समझ में। अब स्टैंडर्ड प्राइमेट में हमारे बॉक्स आता है, तो सिलेंडर एक और सिलेंडर हमें यहाँ पे इसी तरह से इसके अंदर डाल दिया। ये छोटा है तो इसे इसकी प्रॉपर्टी में जाकर इसकी हाइट बढ़ा देते हैं, पहले हम इसके अंदर डाल देंगे, तो ये शायद आ गया होगा। अब हमें इनमें दो होल दिखाने, एक छोटा एक बड़ा है, तो सबसे पहले बॉक्स सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट किया और कंपाउंड ऑब्जेक्ट। अब हमें बूलियन से खाली एक होगा तो टू बूलियन लेना पड़ेगा और स्टार्ट कुकिंग, ये वाला होल, ये वाला होल, ये होल आपके सामने हो गए हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, डिलीट करते हैं। इसी तरह से हम बाकी और भी आइटम है हमारे पास, कौन है, क्यूब है, जो भी आप चाहो, स्पेयर्स है, उसका भी हम जैसा चाहते हैं होल कर सकते हैं। जैसे हमें ये इतना ही आधा स्पेयर्स का होल दिखाना है इसमें, तो वही प्रोसेस है वाला, पहले तो मूव के ले जाएंगे सेलेक्ट बॉक्स, कंपाउंड ऑब्जेक्ट, बुलियन, नेक्स्ट पॉइंट आपको बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप हम बात करेंगे कि सेलेक्ट करो राइट क्लिक से कन्वर्ट, और ये कन्वर्ट टू मैश है ऊपर, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, एडिटेबल पॉली करते हैं हम, तो ये पॉली हो गया है। उसमें क्या है, पॉली में हमारे ये फाइव आइटम है, वर्टेक्स है, वर्टेक्स के हमारे ये नीले नीले जो कोनों पे डॉट हो गए हैं, इन्हें हम सेलेक्ट कर सकते हैं और जहाँ चाहे बड़ा घटा सकते हैं। आप चाहो तो ये इस तरह से कर सकते हैं ना, ये दो
वर्टेक्स हमने चूज किया, इस तरह से हम ट्रायंगल बना सकते हैं या कुछ रैंप वगैरह बनानी है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये एज, एज से हमें ये जो एज बन एज हैं बॉक्स की उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे भी मूव करा सकते हैं। बॉर्डर, बॉर्डर हमारा इतना वो नहीं आता है। उसके बाद हमारा आता है पॉलीगन, पॉलीगन से हम पूरा एक फेस ले सकते हैं। ये फेस सेलेक्ट किया या ये कर लो या ये कर लो, इस एक फेस और उसे ज़्यादा कर सकते हो कम कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी है ये बॉक्स की, आप सिलेंडर की, कोन की, किसी को भी कन्वर्ट टू पॉली करके आप उसमें एडिट कर सकते हो। डिलीट मारते हैं और वहीं सीधे समझते हैं एक बॉक्स। तो गाइस आज के लिए मुझे लगता काफ़ी है, इसका ही थोड़ा स्टडी करो, अभ्यास करो और आगे हम अगली वीडियो में आपको कुछ और भी बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।